सो गुड इवनिंग गाइस, बहुत दिनों बाद हम आज आने वाले ब्लॉग बनाने के लिए। तो कैसे हो आप लोग? इतने दिन बाद ड्यू टू एग्ज़ाम के वजह से हम आज ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे इतने दिन से, तो आज बनाने जाएंगे। और ये ब्लॉग मिनिमम 3 डेज़ का रहेगा, मैक्सिमम भी 3 डेज़ का ही रहेगा। तो हम ट्रैवल करने वाले हैं 3 डेज, तो मज़ा आएगा। चलो जाते हैं। यू बस हम लोग फैमिली है। ये देखो भाई, दोनों मम्मी, ये रहे मेरे दोनों कर्मचारी, वो एक उधर एक उधर, वो दोनों मजदूर। ये देखा कैसे दिखता है तुम्हारा भाई, तुम बाहर निकल के चोर के वहाँ पे तुम्हारा भाई कर रहे हैं। 2500 में ट्रेनें खरीदी है। आज फर्स्ट के काम 11 AM मॉर्निंग हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड डे, हाँ फर्स्ट डे नाइट में अपने छड़े थे 12:51 अप्रोक्स, 25 मिनट्स लेट थे। अभी हम पहुँचे
राजस्थान में एंटर करने वाले, ये नहीं अभी भी एमपी में। गाइस सामगढ़ एमपी का सामगढ़ स्टेशन। धूप क्या आ रहा है दूसरा दिन को भाई। फाइनली चौनकोटा जंक्शन जजपुर, इट्स आज हाँ 1 PM कोटा जंक्शन पहुँच चुके गाइस। अभी 45 मिनट्स की डिले चल रही है हमारी ट्रेन। We finally entered in Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh. That's famous for Bulan Darwaja, you know? It's famous monument of India, Bulan Darwaja is in Fatehpur Sikri. That's the station, Fatehpur Sikri. आगरे का पेठा 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 आगरे का पेठा हो। फाइनली गाइस वी रीच आगरा फोर्ट एट 7:40 PM। बहुत जल्दी पहुंच गए आगरा फोर्ट पे और आगरा का फेमस पेठे बिक रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड नाइट है, गोरखपुर स्टेशन इंडिया लार्जेस्ट स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है, इंडिया का सबसे बड़ा डायमीटर में मतलब लेंथ में 1 किलोमीटर में सबसे बड़ा स्टेशन है गोरखपुर। बाहर जाकर दिखाता हूँ, मे बी पॉसिबल हुआ तो यहाँ से दिखाता हूँ बहुत धीरे। पहला स्टेशन था जिस पर हम लोग मैं उतरा, ये बहुत भीड़ था, अभी था खाली हुआ और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम का रुका हुआ है, इसकी वजह से हम यहाँ पर रुके, ज़्यादा टाइम का हॉल्ट है इधर।
सबसे बड़ा है ना इंडिया का लार्जेस्ट स्टेशन, इसलिए यहाँ पे रुका भी सबसे ज़्यादा। देखो अभी साफ सफाई चल रही है हमारी ट्रेन की, जब तक तो रुकेगा ही ना क्या साफ सफाई। बट हम लोग यहाँ पर उतरेंगे नहीं, अभी तो और जाना है रात तक। ये तो थर्ड डे, सेकेंड डे हुआ है, सेकेंड नाइट हो गया, थर्ड नाइट बाकी है, तब पहुँचेंगे हम लोग। ये रूट लेके बहुत ठीक है, चलते गाइस। हम लोग 2 या 1/2 आवर में एयर में एंटर कर जाएंगे। टाइम से वेट करते काफ़ी देर बाद हम लोग एयर में एंटर फाइनली कर ही लेंगे गाइस। ये देखिए बाहर के व्यू, मेरा विंडो इससे मिला, इसी विंडो का फ़ायदा है और मज़ा ही है मेरे को तो। बोला था ना गाइस 3 डेज का सफ़र, यानी 2 नाइट हो गया, आज 2 डे हो गया, तीसरा नाइट भी हो जाएगा। ओवर नाइट में हम लोग आए ही थे, पूरे के पूरे 3 डेज। ये इमरजेंसी में निकलना पड़ा था गाइस, इसलिए ट्रेन से है तो मैं दूसरे ट्रेन से आया, इसमें 27 आवर ही लगते हैं बस। हम लोग बिहार में 2 बजे आफ्टरनून में एंटर कर गए थे, जैसे कि तरह ये थर्ड नाइट है हमारा ट्रेन में, और आफ्टर 2 आवर में, 2 आवर्स में हम लोग उतर जाएंगे। फिलहाल हम लोग पहुँचे मधुपुर मोतिहारी बिहार। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है आप लोगों को दिखाने के लिए, जो हमने मतलब मैं दिखाऊंगा आप लोग को अभी। क्या अपने बापू, एक मिनट, ये है बापू। और गाइस पता है ना, ये वो आदमी था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा के इंडिया से तरी पार कर दिया था अंग्रेजों का। बोल दो गाइस, इट्स 6:27 PM और जैसे कि दमन में अभी भी धूप है, काफ़ी ज़्यादा धूप नहीं है बट फिर भी धूप है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि रात की 10 या 9 बज गए, सीरियसली सच में मैं दिखा सकता हूँ। गाइस आफ्टर 3 डेज नाउ वी फाइनली रीच ऑन आवर दिस डेस्टिनेशन मुजफ्फरपुर विद इन 1/2 आवर। तो ऑल आर प्रिपेयर्ड, बहुत जल्द हम उतर जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, बहुत जल्द 1/2 आवर में, मात्र 30 मिनट। ओ मजे से आएंगे, सब प्रिपेयर्ड है, रेडी मुजफ्फरपुर। फाइनली चल मुजफ्फरपुर, आखिरकार मुजफ्फरपुर पहुंच गए गाइस। ये और मैं बाय बाय गाइस, अच्छे से जाना, आराम से जाना, मैं भी आ रहा हूँ। हम लोग पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन पे, अभी हम निकलेंगे घर के लिए। 3 डेज का सफर हुआ खत्म, अपने हस्बैंड जा रहे, अपने हस्बैंड जा रहे। तो गाइस बाय बाय, वी रीच ऑन आवर डेस्टिनेशन हियर। हम लोग मुजफ्फरपुर बस स्टैंड पे आए, यहाँ से जाएंगे अपने दरभंगा, वो काफ़ी वहाँ से अपने यहाँ से अपने जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में मधुबनी, उसके बाद अपने घर से कोई लेने आएगा फिर अपने घर जाएंगे गाइस। बस स्टैंड चल रहा है, बस स्टैंड